तो हे गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनोनिमस गेमर ऑफिशियल में। और आज हम करेंगे माइनक्राफ्ट में तीन ऐसे हिडन हाउसेस के डोर जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो नहीं ढूंढ पाएंगे। और वहां पर आप अपना सोना वगैरह, डायमंड्स, एमरल्ड वगैरह रख सकते हैं उसमें छुपा कर। तो बिना देरी के हम वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट, वीडियो को कमेंट और लाइक नहीं किया तो कर दो यार, आपके भाई का ही चैनल है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं इसको थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में कर लूँ। और वो कहाँ से है, हाँ यस, तो वीडियो यस एंड फर्स्ट यस। तो आ चुके हैं हम फर्स्ट पर्सन में और देखेंगे हम। तो सोचिए आपका फ्रेंड आ रहा है, तो ये सामने डोर है, तो वो यहाँ से खोलेगा डोर को या फिर सिंपली हाथ से। तो मैंने ये दबाया, ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ से बंद कर दिया। लेकिन आगे तो दीवार है, उसका क्या करेंगे। तो उसके लिए भी एक उपाय है और वो है इधर सीक्रेट। यहाँ पर वो देखेगा पेड़ है तो कुछ भी नहीं है, वापस चला जाएगा। लेकिन इधर एक सीक्रेट लीवर लगा है जिसको खींचने पर भूम जादू। तो इसको बनाने का कैसे बनाते हैं इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो वहाँ तक वीडियो ज़रूर देखना यार, आयो तो इस वीडियो पे। और यहाँ से आप बंद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप अंदर इसमें सामान वगैरह रख सकते हो, जैसे ये वो है। अगर आप ये तो दूसरा है अपना ब्लॉक्स का बनाया है, इन ब्लॉक्स का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो ये दूसरे ब्लॉक्स का, अगर आप जो सबसे नीचे होते हैं ना माइनक्राफ्ट में बॉक्स, क्रिएटिव मोड पे जाकर अगर आप उसका बनाओगे तो ये और भी अच्छा बनेगा। तो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट घर की ओर, वो कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट घर, क्रिएट घर। इस पेड़ के आप सोचना कहाँ होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, दाएं होगा, बाएं होगा। तो यहाँ पर मैंने टावर सा लगा रखा है, तो कोई बात नहीं। अगर देखिए अगर कोई यहाँ पर आया तो क्या सोचेगा, इधर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सरप्राइज है जहाँ पर। तो ये जहाँ पर जो खास है, अगर इसको आप हटाओगे, पत्तियाँ सॉरी पेड़ की अगर इसको हटाओगे तो लीवर हो जाएगा। आप ज़रूरी नहीं है यहाँ पर पत्तियाँ लगाएं, अगर कोई डर्ट वगैरह है या ब्लॉक है आप वो भी वैसे लगा सकते हो। बस ये पत्ती इसलिए लगाई मैंने क्योंकि अच्छी लग रही है और मिल रही है। और अगर आप इसको दबाओगे तो ये नीचे से खुल जाएगा और आप नीचे से उसको ऐसे कर सकते हो और इसको बंद, और नीचे एक और रास्ता देखना। अब मैं अंदर चला और इसको आप कर सकते हो बंद। उसमें एक ही दिक्कत है कि ऊपर से वो जो होती है ना डर्ट, वो साइड में चली जाती है। तो यहाँ पर आप एक और नई डर्ट लगा सकते हो। और नीचे जा रहे हैं हम, और ये देखिए नीचे आप कितना भी बड़ा घर बना सकते हो। मैंने अभी फ़िलहाल तो छोटा बनाया है, यहाँ पर पेंटिंग वगैरह और ये चेस्ट और बेड। चेस्ट में आप डायमंड वगैरह रख सकते हो। आप अगर आपको ये है कि आपका दोस्त आपको आपके डायमंड है जो चुरा लेगा, तो इसी वजह से आप वहाँ पर रख सकते हो। तो अगर आपको ये भी हाउस अच्छा लगा तो ठीक है, वीडियो को इसी के बाद पर लाइक कर देना। तो ये देखना डर्ट है, अब यहाँ पर डर्ट लगा दी मैंने, और यहाँ पर भी डर्ट लगा सकते हो आप अगर आप चाहो तो। लेकिन यहाँ पर ये पत्तियाँ, आप ये पत्तियाँ ना अगर क्रिएटिव मोड में नहीं है, सर्वाइवल में, तो ये पत्तियाँ आप उस शेयर्स होते हैं जिससे हम पम्पकिन का चेहरा बनाते हैं पम्पकिन पर, वहाँ से भी काट सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया बंद, तो चलते हैं नेक्स्ट घर। वो है हमारा लावा के अंदर। जी हाँ, लावा के अंदर थोड़ी सी अगर सर्वाइवल में मोड में हो तो आप थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको वहीं कूदना होगा जहाँ पर आपने वो बनाया होगा। ये देखना, ये नीचे पानी आ जाएगा, ऊपर लावा। पानी को ऊपर ऊपर रखने के लिए आप जो नेम प्लेट्स हैं जहाँ पर हम नेम वगैरह लिख सकते हैं, उसको ऐसे लगाना पड़ेगा, चार दीवार की दीवार बनाकर और उसके ऊपर पानी डाल देना। तो अंदर आप इसमें एन्चेंटिंग टेबल वगैरह, डायमंड्स वगैरह, जो गोल्ड वगैरह वो रख सकते हो। और यहाँ पर रोशनी के लिए लालटेन लगा सकते हो, और मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हो। और एंड फटाफट यहाँ आपको ऐसे बाहर निकलना पड़ेगा इसमें। तो इसमें एक ही दिक्कत है कि आपको या तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा,
जिससे आपको आसानी हो, नहीं तो इसके आसपास आप पानी डालकर रख देना। पानी किधर है, ये रही, ठीक है। अब पानी इसमें डालूँ, अब जैसे ही आपको वो लगेगी लावा आपको जलाएगा। थोड़ा सा दूर बना दिया मैंने। अबे यार क्या हो रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, डर्ट कहाँ है। अब ठीक है तो आप इसके करीब भी लगा सकते हो, और जब आप यहाँ पर कूदोगे तो अपने आप, वैसे तो पानी है नीचे ये आपको लावा नहीं जलाएगा, लेकिन अगर बाहर निकलोगे तब थोड़ी सी मुश्किल आएगी, तो आप इसको अपने हिसाब से सेटल कर लेना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो जो फर्स्ट हमने डोर बनाया था वो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए उस बनाते हैं। ये आपको एक डर्ट चाहिए या कोई भी ब्लॉक, आप जरूरी नहीं है डर्ट लेनी है, कोई भी ब्लॉक्स, और स्टिकी पिस्टन चाहिए एंड थोड़ी सी रेड स्टोन, और लीवर चाहिए एंड बस। अगर आप कोई भी ब्लॉक ले सकते हो, या नहीं ये ले लिया ब्लॉक एंड रुक जाओ अभी जगह देख लूँ मैं, ठीक है इधर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले एक इधर लगा देना आपने, आप ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक पिस्टन लगाना है, और उसके ऊपर एक और पिस्टन लगा देना है एंड ब्लॉक लगा देना है, एंड ब्लॉक के ऊपर आपने ऊपर चढ़ना है और क्राउच होना, यहाँ से नीचे झुककर ऊपर इसके रेडस्टोन, और इधर रेडस्टोन लगा देना। ये इसकी ये प्रॉब्लम है कि जब ये बनाओगे ना आप, तो आपकी जगह है वो थोड़ी सी लेगा ये, और कोई बात नहीं है इसमें, और आप इधर कर सकते हो, और इसके साथ इसके साथ अगर कनेक्ट करोगे ना तो ये चलेगा नहीं, इसलिए आपको इधर डर्ट लगानी पड़ेगी। और अब ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कनेक्ट हो चुका है, और आप यहाँ से नीचे का रास्ता बना सकते हो। और यार ठीक है, तो इधर से आप लगा सकते हो अपना रेडस्टोन, ये देखिए इसके ऊपर, एंड थोड़ा सा अभी बाहर चलेंगे। अब ठीक है, तो ये मैंने हटाई इसको, ये आइस को हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दी मैंने, अब लगाएंगे हम लीवर ऊपर, इसको कवर कर देना आप, लेकिन उधर से वो इधर आपको स्लैब लगानी पड़ेगी जिससे ये आसानी हो सके। तो अब लगाएंगे हम लीवर, ये क्या, सॉरी लीवर यहाँ लग गया, ठीक है। तो कनेक्शन आपको सही रखना है, एंड ये क्या यार गलत लगा दिया मैंने, तो रुक जाओ एक मिनट। अब ठीक है, इसको भी हटाना पड़ेगा। अब ठीक है, तो ऐसा लगाना है आपको, इधर लीवर नहीं लगेगा। अब ठीक है, इसको कवर कर देना ब्लॉक से, नहीं इस यहाँ पर आपको स्लैब ही लगानी पड़ेगी जिससे अच्छी तरह बन सके। तो ये देखना हमारे से स्टिकी पिस्टन है जो ऑन हो चुके हैं, और इधर डर्ट लगा दी मैंने, एंड यहाँ पर भी ब्लॉक्स लगा दिए, सॉरी इधर नहीं, एक स्पेस छोड़ कर लगाना है जिससे आसानी हो। एंड अब ठीक है, तो जो बीच का एरिया वो कवर कर देगी डर्ट, जो आप यहाँ पर गेट वगैरह लगा सकते हो, एंड स्लैब मैंने कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इधर नहीं लग रही, ऊपर लग रही है, तो अच्छी नहीं लगेगी यार नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप खाली भी छोड़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देखना वो बीच वाला एरिया कवर होगा, लेकिन यहाँ से फिर स्टिकी पिस्टन नज़र आ रहे हैं, अभी स्टिकी पिस्टन लगाए हैं, तो इसको इसके लिए आपको इसको ऐसा पूरा कवर करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। यस, यहाँ से और इधर यहाँ से भी, एंड आपको सामने से भी लगाना होगा थोड़ा सा, क्योंकि सामने से नज़र नहीं आना चाहिए, आपने स्टिकी पिस्टन लगाया है, तो ये देखना, ठीक है। तो इधर हो, मैंने कवर कर दिया, नहीं उधर एक आपको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर रेडस्टोन के लिए, तो इधर लगा दिया इधर। अब ठीक है, तो जैसे ही आप ऑन करोगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा। तो दैट्स फॉर टुडे गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को कर लेना यू से सब्सक्राइब, एंड मैं आपको मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ माइनक्राफ्ट या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी में। तब तक के लिए गुड बाय।